क्या है मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास तकरीबन कभी एक 200 से लेकर 1000 तक लोग हमारे सेशंस में बैठे होते हैं तो कोई भी अभी तक 99% दुनिया में तो कोई चीज़ की रिजल्ट नहीं होती मगर 99% इसके रिजल्ट है तो सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पे इतनी पड़ी हुई है हमारा एक चैनल है डॉक्टर अब्दुल समद एम के नाम से डॉक्टर अब्दुल समद एम यूट्यूब पे ये पूरे प्रोग्राम पड़ी हुई है एक एक घंटे के प्रोग्राम से जो लोगों के जो पूरे लोग बैठे हुए 100, 200, 300, 500, 1000 लोग बैठे हुए वो खुद रिकॉर्ड वो सब के हो रहे हैं और वो सब सुन रहे हैं और मैं उनसे पूछूंगा जब वो पहले दिन आ जाते हैं एक क्लास ले लेते और अगला दिन मैं उसे पूछता हूँ कि सामने इसी तरह बैठ के एक एक से पूछता हूँ आप बताएं कि आपको कल से क्या रिजल्ट है क्या तब्दीलियाँ हैं कैसे बीमारियाँ क्योर हुई आपकी और क्या तब्दीलियाँ आपकी वो दुनिया में आई कितने बेहतरीन आई हैं कितने अच्छे फील करते हैं कितना स्ट्रेस दूर है टेंशन नहीं है डिप्रेशन नहीं है रिलैक्स्ड है कुछ लोगों को नींद नहीं आता है मसाइल है नफ्सियाती कैसी क्योर हुई है जिस्मानी बीमारियाँ आप 24 घंटे के अंदर कैसी क्योर होते हैं यहाँ पर हैरानगी होते हैं इंसान को ये तमाम यूट्यूब पे पड़े हुए देख सकते हैं कोई भी डॉक्टर अब्दुल समद एम के नाम से तो मैंने एक दफ़ा एक मेरे जाने वाले तो उन्होंने मेरे रेकी किया मेरे साथ तो पैर उन्होंने पकड़ लिए मेरे यूं करके और फिर माथे पे हाथ रखा सही, सही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई जैसे कोई हमिंग साउंड आ रही इस तरह की तो मैंने कहा शायद मेरा ख्याल होगा लेकिन एक मेरा सेशन और हुआ तो आई हर्ड द सेम साउंड जैसे नहीं एंड रिजल्ट्स होते हैं आई नो बिकॉज़ आई हैव हैड अ रेकी सेशन ऑन टू मायसेल्फ फॉर दैट मैटर राइट तो फिर मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि ये क्या था उन्होंने कहा भाई दिस वाज ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इनटू यू सही सही बिल्कुल बात ये होते हैं कि बेसिकली समदा हीलिंग एनर्जी इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी रेकी से तकरीबन 99% पावरफुल है इनको हाथ लगाए ना लगाएं ये वर्क करते हैं काम करते हैं और ये क्रोनिक डिजीज परमानेंटली क्योर हो जाता है क्लियर हो जाते हैं क्योंकि समदा की हिलर लेवल से रेकी की जो मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल है ऑल काइंड ऑफ रेकी की खुद बखुद ऑटोमेटिकली हो जाती है यानी उनके अटेनमेंट खुद ही हो जाते हैं समदा के हिलर लेवल से और समदा के मास्टर लेवल तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे ये बताइएगा फिर कि मैं आपने भी शायद ये सुना होगा कि रेडियो पे कोई साहब बैठे हुए उनको टेलीफोन आ रहा है कि जी ये हो गया मेरे साथ वो हो गया तो कैसा जी थैंक यू वेरी मच हम आपके लिए रेकी कर देंगे उनका नाम भी नोट कर लिया किसी और का फोन आया उसका भी नाम 10-15 नाम नोट कर लिए क्या ये भी पॉसिबल है कि हम रेडियो में बैठ के रेकी कर दें लोगों की देखिए हम टीवी पे भी बैठ कर सकते हैं हम रेडियो पे भी बैठ के कर सकते हैं मगर उनके उन लोगों के लिए उस चीज़ के रेकी तो एक बहुत ही यानी समुदाय के नस्बत रेकी ठीक है काम करते हैं मगर समुदाय के नस्बत वो समुदाय से 99% पावरफुल है समुदाय हीलिंग एनर्जी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी बिल्कुल फेसबुक पे इसकी काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स के और लोगों ने बहुत से आइडियाज़ बनाए ग्रुप्स है जिसमें तकरीबन 25-30-50-50 हज़ार लोग हैं एड हैं मेंबर्स हैं उनके तो ये समुदाय हीलिंग पे भी है और डिस्टेंस हीलिंग कैसे काम करती है डिस्टेंस पे किसी ने फोन किया आपको कहा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है बिल्कुल उनका नाम आम आपने ले लिया तो यहाँ से बैठे आप हाउ आर यू एबल टू हील देखिए सेल साइंसेस के हवाले से हम जिस कायनात में जो रहते हैं यूनिवर्स में कोई चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है जो भी इस यूनिवर्स के अंदर ज़ाहिर है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रहते हैं तो वो उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है सही है अलग कोई चीज नहीं बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स से हीलिंग फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से किसी भी फोर्स से जो भी है एक दूसरे के साथ इंसान कनेक्ट है अब आप हीलिंग जब आप सेंड करते हैं तो हीलिंग का होता यह है कि आप कनेक्शन बनाते हैं किसी शख्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो जो आप खुद जिस तरह के हम कंप्यूटर पे यहाँ पर बैठते हैं इंटरनेट पे बैठे एक कंप्यूटर दुनिया के दूसरी किनारे में है आप उसे डायरेक्टली आप वीडियो चैट पे कर सकते हैं और इधर से आप मैग्नेटिक वेव्स ही है बिल्कुल
वे मैग्नेटिक वेव्स है वहां तक, हम सेकेंडों में वहां तक पहुंचते हैं हम इस तरह के। इसी तरह हीलिंग पावर है, ये पॉसिबल है। मोबाइल कोई वेव्स नजर नहीं आते हैं, आप यहां से आपने मोबाइल बात कर रहे हैं, आप दुनिया के दूसरे किनारे में अभी आपसे कोई शख्स बात कर सकते हैं। इसी तरह इंसान और ये तमाम चीजें इंसान ने बनाई है, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ था, कहाँ से ले आया? जाहिर है उसके अंदर था सॉफ्टवेयर, उन्होंने ले आया हार्डवेयर में। इसी तरह इंसान का कनेक्शन एक दूसरे के साथ और स्ट्रांग है, मगर इंसान ऐसा ऐसा समझ रहे। अभी जो साइंस पे काम कर रहे तो लोग मान रहे, पहले इस चीज़ों से डर होते थे ना लोगों का, अब साइंस पे काम कर रहे, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाए जाते हैं, तो अब जो है ना लोग समझ लेते हैं इस चीज़ों को। ये भी हो सकता है पॉसिबली डॉक्टर, परहैप्स यू कुड लुक इनटू दिस, कि दो आपके पास इंसान आए, एक मर्द खातून जो कि शादी करना चाहते हैं, आप मैं इजी कोई भी शख्स, ये मैं सबको टिप बता रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ, कोई भी शख्स किसी के हाल को देखे, देखे इंसान की जिंदगी जो है तीन चीजों पर मुश्तमल है, जो जो उनकी जिंदगी को रन करते हैं, वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जो पास्ट के वजूद भी नहीं होते, प्रेजेंट के वजूद भी, सॉरी फ्यूचर का भी नहीं होते, होता किस चीज़ का है, आप किसी को जान सकते हैं कि वो प्रेजेंट में अभी जो हाल है उसके, वो क्या है, वो क्या उसकी सोच क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो कैसे सोचते हैं, और उनके जो पास्ट गुजरे हैं तो उनसे भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसे, इंसान को पहचान लेते हैं कि किसी के साथ कैसे चल सकता है कोई शख्स। दूसरी बात ये, हम तो ये इस पर बात ही नहीं ऐसे, चलो ये एक स्टडी है जो हम करते हैं, मगर अगर रिलेशंस को इंसान ने ठीक करना है, चाहे किसी भी तरह शख्स के साथ उन्होंने रिलेशन बनाना है, रिलेशनशिप्स जो कि इज़्दिवाजी भी हो सकता है, कारोबारी भी हो सकता है, दूसरी का भी हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है, अगर उन्होंने सही बनाना है तो वो पॉसिबल है। फिर पॉसिबिलिटी किस चीज़ में है कि उन्होंने PMBL की टेक्निक्स जो हम बताते हैं, और HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस जो टेक्निक्स बताते हैं कि आप किसी के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, और यानी एफिनिटी बनाते हैं आप जो है ना, एफिनिटी जो एक दूसरे के साथ एक हमाहंगी बनाते हैं आप एक जो है ना एक कम्युनिकेशन की एक स्टेज, एक फ्रीक्वेंसी बनाना है आपने, सेट करते हैं दूसरे के साथ, टोन से टोन मिलाना बनाते हैं आप, जी बिल्कुल, किसी के टोन के साथ मिलना ये ज़रूरी होता है, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है, अब उनके माइंड किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसे है, आप उसके साथ उसको मिलाएंगे तो सांस से एक हो जाते हैं, और वो रिलेशनशिप तमाम जिंदगी कभी टूटता ही नहीं और ख़राब नहीं हो सकता है। इसमें पर वे सब थोड़ा सा एडिट मैं करना चाहूँगी, ये जो यिल साइंसेज इदारा है उसमें किसी भी चीज़ को अगर इस तरह से कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी पावर्स दी हैं, पूरी कायनात को इसके अंदर समाया है, तो इंसान अगर पॉजिटिव चाहता है तो वो उसके लिए मुमकिन है। ऑलरेडी जो मैरिड लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं, उनके रिलेशनशिप सही नहीं होते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और वो उसमें कामयाब भी होते हैं। आप अगले बंदे को पॉजिटिव कर सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, मिसाल के तौर पे आप हर वक्त अगर किसी की बुराई करेंगी तो आप उसके नेगेटिव एनर्जी जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो भी शख्स अगर किसी दूसरे की बुराई करता है। अगर किसी शख्स में डेफिनेटली अगर किसी में खामी है तो खूबियाँ भी होंगी, अगर आपको उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है तो आप उसकी खूबियों को बयान करें ताकि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। इसमें वो भी आ जाता है, एंगर कंट्रोल भी आ जाता है। एंगर कंट्रोल के अलावा मैं ये सोच रही थी कि जैसे आपने कहा कि किसी से पॉजिटिव रिलेशन रखने के लिए जरूरी है कि पॉजिटिविटी उस रिलेशनशिप में हो, पॉजिटिव बातें हों, पॉजिटिव सोचें हों, आजकल के माहौल में जब आप स्पेशली मीडिया की वजह से, भाई टेलीविजन जिस किस्म की न्यूज एक मुसलसल चल रहा है, बैकग्राउंड में सबके
एक नेगेटिविटी मुसलसल मौजूद है, कांस्टेंट फैक्टर हो चुका है हमारी जिंदगी का, तो उससे अब हम ना चाहते हुए भी और प्रोबेबली अनकॉन्शियस लेवल पर एक इंसान हर वक्त इफेक्टेड है इन हालात से, और वो नेगेटिविटी फिर कब पता भी नहीं चलता आपको आपके टेम्परमेंट में सराहने लगती है। जैसे आज हम बात कर रहे थे इंपेशेंस को लेके, तो वो आपको पता नहीं चलता, एक वही शख्स जो प्रोबेबली डिफरेंट हालात में डिफरेंट फंक्शन करेगा, अब आके वो टॉलरेंट नहीं रहे लोग एक दूसरे के लिए। हाउ कैन यू हेल्प दैट पर्सन एग्जैक्टली कि ये सिचुएशन से कैसे निकले इंसान। बिल्कुल, हालात जो भी खराब होते हैं तो उन मुल्क में कुछ उन मुल्क के अपने जो जिसके जरिए वो मुल्क बना होता है, जिसके जरिए कंट्री बना होता है, तो उन्हें लोगों के जरिए बने होते हैं। तो हालात जब ख़राब होते हैं लोगों की वजह से हो जाते हैं, किसी और हवा की वजह से नहीं होंगे, हवा की ख़राबी की वजह से या किसी चीज़ की